भागवत भूषण गोवत्स्य श्री राधाकृष्ण महाराज की अमृतमय वाणी में आजाद पार्क में आयोजित की जा रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव के सातवें दिन शुक्रवार को श्री राधाकृष्ण महाराज ने अपनी सुमधुर अमृतमय मारवाड़ी मिश्रित वाणी में श्रीमद् भागवत कथा का रसापान कराते हुए सुदामा चरित्र परीक्षित मोक्ष की कथा का श्रवण कराया। इसी के साथ कथा का विश्राम हो गया। इस दौरान यजमानों द्वारा व्यास पूजन किया गया। कथा में शुक्रवार को वन पर्यावरण एवं खनिज मंत्री राजकुमार रिणवा ने भी भाग लेकर धर्म लाभ कमाया। वहीं प्रस्तुत भजनों पर श्रद्धालुओं ने देर तक झूमते नाचते भागवत भगवान की आराधना की। इसके बाद महाआरती के साथ प्रसाद का वितरण किया गया। जी महाराज को गरीब मानने की भूल कभी न करे और ना कभी कहें कि सुदामा जी गरीब थे। कोई बुरा न माने, एक भजन कई बार सुनने को मिलता है, जिन्होंने बनाया उनका अच्छा ही भाव रहा होगा, मैं उनको बुरा नहीं कहता, लेकिन मेरे मन को वो बहुत अप्रिय लगता है। कभी शोभा यात्रा में बैंड बाजा वाले बजा देते हैं तो मैं तुरंत किसी को भेजता हूँ इसको बंद करा। भजन है अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से सखा बद नसीब आ गया। ये मेरे मन को अच्छा नहीं लगता, ये मेरी व्यक्तिगत वो है, वो बनाने वाले का भाव अच्छा रहा होगा, वो कोई वैसे नहीं होंगे। श्री कृष्ण जिसका नाम सुनते ही दौड़ करके आते हैं, क्या वो बदनसीब हो सकता है? और मेरे भाई बहन एक सबसे बड़ी बात कहूं, जिनके मन में कितनी भी तकलीफें हों लेकिन फिर भी जिनके मन में भगवान से मुलाकात करने की इच्छा होती, असली नसीब वाले तो वो ही होते हैं। कथा का समापन है, आज कथा का विश्राम है, तो इस विश्राम की बेला में हमारे कई जो बाकी की लीलाएं हैं भगवान की, ये भगवान का यहाँ से कैसे वो पधारे, कैसे अपने लोक को गए, वो सारी आज की घटनाओं में है। सुदामा कृष्ण सुदामा मिलन, कैसे कृष्ण और सुदामा का मित्रता थी और उन्होंने कैसे निभाई, इसी प्रकार की अन्य घटनाएँ जो भी बाकी हैं वो आज संपादित हो। राम नाम परिक्रमा करने आए थे महाराज जी, जो यहाँ कथा भागवत कर रहे हैं राधा कृष्ण जी महाराज जी, तो परिक्रमा करके उनको बड़ा अच्छा लगा और वो एक हमको प्रॉमिस भी करके गए कि अब की बार जब भी परिक्रमा होगी तो मैं शुभारंभ पे अवश्य आऊँगा, और बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने सब दर्शन भी किए पुस्तिका में, जिसमें 18 बार सुंदरकांड का अंकन किया हुआ है इस तस्वीर में, उसके भी दर्शन करके बड़े लालायित हुए, गदगद हुए। कथा में शामिल होने आए वन पर्यावरण और खनिज मंत्री राजकुमार रिणवा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि खनिज विभाग में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, फिर भी यदि कोई भ्रष्टाचार हो तो क्या किया जा सकता है। उन्होंने प्रदेश में लगाए गए करोड़ों पौधों के लिए बताया कि प्रधानमंत्री ने भी राजस्थान की तारीफ की है। खनिज विभाग में अधिकांश अवैध माइनिंग बंद करा दी गई है, लेकिन 10-15% अवैध माइनिंग अभी भी चल रही है, उसे नए नियम आने के बाद यथाशीघ्र रोका जाएगा। आज ये संधि क्षेत्र है, इतनी बढ़िया भागवत की पूर्णाहुति हो रही है, श्राद्ध का समय, हमारे तो सनातन में ऐसे ही मानते हैं कि सबसे नीचे जो होती है शक्तिकांश वो पितर होता है और ऊपर में ब्रह्म तत्व होता करता है, तो जो पितर की भी 15 दिन का जो हमारा श्राद्ध का 16 दिन का समय रहता है, तो पितरों की संतुष्टि होती है, पितरों की संतुष्टि होने से सब सुख मिलते हैं। तो जो इकाई है हमारी श्राद्धों की, उसकी आज पूर्णाहुति के दिन भागवत की पूर्णाहुति, उस पर भी ऐसी विलक्षण मूर्ति बैठी जो कभी पैसे को छूते नहीं है, गायों के लिए जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया राधा कृष्ण महाराज, ऐसे लोगों को सुनने नहीं, ऐसे लोगों का तो दर्शन करने से भी कल्याण होता करता है।